हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डीएलएड से रिलेटेड जो रैंक लिस्ट आया है उसमें कितने रैंक पर आपका एडमिशन हो जाएगा और फर्स्ट लिस्ट में टोटल कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा और किस किस सेंटर पर कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि डीएलएड में टोटल 125 सीट्स है, ठीक है। टोटल सीट्स कितना है? 125। चलिए, अब इसमें से अलग अलग कैटेगरी के लिए सीटें रिज़र्व है, ठीक है। तो टोटल है 125, जिसमें से अनरिज़र्व जो सीट है वो 40% है। मतलब ये हो गया कि 125 का 40% जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा 50, ठीक है। उसके बाद EWS का 10% सीट है तो ये हो गया आपका अप्रॉक्स 13। उसके बाद OBC का 27% सीट है तो इसका मतलब हो गया कि OBC के लिए 34 सीट है टोटल। उसके बाद SC का 15% सीट है, मतलब इसका नंबर ऑफ सीट्स कितना हो जाएगा? 19। और ST का 7.5% सीट है तो इसका सीट हो गया टोटल 9। और जब हम लोग इसको पूरे को ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कितने बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए और कितने बच्चे एब्सेंट रहे। तो एग्ज़ाम में कुल बच्चे अपीयर हुए वो है 1345 और एब्सेंट भी बच्चे रहे हैं जिनका एडमिट कार्ड भी आया, फॉर्म भी भरे, फ़ी पेमेंट भी किए लेकिन वो एग्ज़ाम देने नहीं आए, वो थे 279, ठीक है। तो ये 279 बच्चे और अगर एग्ज़ाम दे देते तो बहुत ज़्यादा रश और बढ़ जाता। नहीं, खैर नहीं दिए तो अच्छा ही हुआ। अब हम लोग जान लेते हैं सेंटर वाइज कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, हर सेंटर पे कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो लखनऊ में 7 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, लखनऊ में जो एग्ज़ाम सेंटर था। उसके बाद संभल में 2, वाराणसी में 2, यानी टोटल यूपी में हो गए 11 बच्चों ने यूपी के सेंटर पे एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद आते हैं बिहार में और सबसे ज़्यादा बच्चे बिहार से ही एग्ज़ाम देते हैं। तो यहाँ जो है सिवान में 4, पटना 257, किशनगंज 663 और दरभंगा 316। तो टोटल बिहार के सेंटर्स पे कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया? 1240, ठीक है, 1240। तो 1240 बच्चों ने बिहार के सेंटर्स पे एग्ज़ाम दिया। अब और आगे कौन कौन से सेंटर पे कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं आगे जानेंगे हम लोग। तो उसके बाद आता है हैदराबाद। हैदराबाद में 50 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और तेलंगाना में बस एक ही यही सेंटर है जहाँ एग्ज़ाम होता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो टोटल तेलंगाना में 50 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद दिल्ली NCR, यहाँ पे 20 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है।
तो टोटल दिल्ली में 20 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। उसके बाद औरंगाबाद, यहाँ पे 2 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है एंट्रेंस का, इसका मतलब है औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में टोटल 2 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। और फिर है आसनसोल, यहाँ पे 22 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, मतलब वेस्ट बंगाल में टोटल 22 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। तो हम लोग जान चुके हैं कि कौन कौन से सेंटर पे कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए और कौन कौन से स्टेट में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। अब हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट जो जारी होगा उसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट जो कि कल आपका जारी होने वाला है यानी 23 को, तो उसमें टोटल 113 बच्चों का नाम होगा, यानी 113 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा एडमिशन के लिए। ठीक है, 113, 1, 2, 3 ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि 113 बच्चों का सिलेक्शन होगा फर्स्ट लिस्ट में, तो इसका मतलब है 113 रैंक तक के बच्चों का एडमिशन हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे इससे ज़्यादा रैंक वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा, अगर अदर कैटेगरी से बिलोंग करेंगे जैसे एससी से, एसटी से, पीडब्ल्यूडी से, है ना, या ओबीसी वीमेन से, तो इस तरह के जो, या एनसीसी से, एनएसएस से, स्पोर्ट्स कोटा से, ईडब्ल्यूएस से, या फिर जो है मानू मॉडल स्कूल कोटा से, तो उन लोगों का कोटा है, तो इस वजह से उनका जैसे जैसे सिलेक्शन होगा तो इस 113 में से, 113 रैंक में से धीरे धीरे घटता रहेगा, है ना। तो जितने बच्चों का 113 रैंक के बाद वालों का सिलेक्शन होगा उतने बच्चे इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह जो है कुछ बच्चों का इसमें 113 रैंक तक में कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन टोटल 113 बच्चों का सिलेक्शन होगा फर्स्ट लिस्ट में। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा।